Hello students of class 12th. Now the next topic is properties of paramagnetic substances and ferromagnetic substances. Last topic में हमने diamagnetic substances के properties के बारे में चर्चा की थी. When a rod of paramagnetic material is suspended freely between two magnetic poles, then its axis becomes parallel to the magnetic field. पिछले बार जब diamagnetic था तो किसी diamagnetic material को अगर हम freely suspend करते हैं तो उसकी axis मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है. यहाँ पर इसकी क्या होती है? पैरेलल. इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. वहां पर ठीक इसका उल्टा था. स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ को मूव करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में? कहाँ से? वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ. यानी कि इन अ पैरामैग्नेटिक इफ अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड बी taken in a watch glass placed over the nearly magnetic poles, then the liquid rises in the middle. वहाँ पर middle में क्या कर रहा था? Liquid depress हो रहा था. यहाँ पर middle में rise करता है. Where the field is strongest. Now if the distance between the two poles increases, अब दो pole के बीच की distance increase कर दी जाए तो the liquid depressed in the middle and rises near the edges because now the field is strongest near the पोल्स. मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट वाले में हमने बताया था ना. यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा था. जब दो पोल्स को नज़दीक रखा जाता है तो मिडिल में डिप्रेस हो रहा था लिक्विड ना, डायमैग्नेटिक लिक्विड. जबकि वहाँ पर उल्टा होगा. वो क्या करेगा? मिडिल में राइज करेगा और कॉर्नर्स पे क्या करेगा? वो डिप्रेस होगा. जब क्या होगा? नियर नज़दीक रखे होंगे तो दूर कर देंगे तो ये जैसे इसमें कॉर्नर्स पे एजेज पे क्या हो रहा है? डिप्रेस कर रहा है ना. यहाँ पर वो राइज करेगा और बीच में डिप्रेस करेगा. ये होता है. आगे देखिए. इफ अ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज पावर्ड इन अ यू ट्यूब देन द आर्म ऑफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग पोल्स द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन दैट आर्म राइजेज. ठीक उसका उल्टा. पिछले बार मैंने आपको बताया था जब कौन सा सब्सटेंस होता है हमारा जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को लिक्विड को अगर हम यू ट्यूब में डालते हैं एक तो पोल्स के बीच में रखा जाता है तो वहाँ पर उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है. जबकि यहाँ पर बढ़ जाएगा, अप हो जाएगा. ये है केसेस. आगे देखिए. और अ पैरामैग्नेटिक गैस व्हेन अलाउड टू असेंड बिटवीन द पोल्स पीसेज पोल पीसेज देन अ ऑफ अ मैग्नेट स्प्रेड्स अलोंग द फील्ड. ये स्प्री क्या करते हैं? फील्ड के अलोंग, फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग जो है अगर पैरामैग्नेटिक गैस को हम क्या करते हैं? असेंड करने के लिए, चढ़ने के लिए छोड़ दें पोल्स के बीच में तो वो फील्ड के अलोंग फैल जाती है. ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज इन्वर्सली टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. सब्सटेंस के टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या? ससेप्टिबिलिटी. यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टिबिलिटी घटेगी. इस रूल को क्यूरीज लॉ भी बोलते हैं. इसको क्यूरी लॉ, इस नियम को बोला जाता है. अब आप आ जाइए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देखिए. दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. ये सबसे ज़्यादा इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है. मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं. आगे देखिए. अब फेरोमैग्नेटिक रॉड फ्रीली सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड रेडियली सेट्स इटसेल्फ इन द मैग्नेटिक फील्ड. वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक रॉड को रख दें तो वो रेडियली उसमें जो है तुरंत क्या हो जाती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंड रेडियली है ये वैसे वो तुरंत जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग उसके नॉर्थ और साउथ पोल के अलाउंग अपने आप को क्या कर लेती है? सेट कर लेती है. उसके नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल होगा उसमें इसका साउथ पोल होगा क्योंकि वो अगर पोल वाइज हम देखें तो सीधे चिपक जाती है उससे. द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज वेरी लार्ज. रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है इनकी बहुत लार्ज होती है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज वेरी लार्ज एंड द इट चेंजेज विद द टेम्परेचर इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर के साथ बदलती है. और किस तरीके से बदलेगी? ये फॉर्मूला है चाई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी. इसको हम क्यूरी वेज लॉ भी बोलते हैं. और सी कॉन्स्टेंट हुआ, टी केल्विन टेम्परेचर है उस सब्सटेंस का, और टी सी जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है. अब क्यूरी टेम्परेचर क्या हुआ? किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका फेरोमैग्नेटिज्म कम होते होते जाता है. एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब उसका फेरोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्ट होने का जो गुण है वो एकदम डिसअपेयर हो जाता है और वो फिर क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है. तो ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं. ये ध्यान रखेंगे आप, फिर एक वीडियो इसमें और बना देंगे. आगे देखिए. दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं.
कंपैरेटिवली आप इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज को याद करिएगा, तब आसानी से आपकी समझ में आएगा। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा।